विशेष जटिल काम काज निपटाने में सफलता मिल सकती है। खुद का ध्यान रखें और फालतू पैसों की चिंता ना करें। जरूरत के हिसाब से व्यवस्था भी हो सकती है। सब ठीक ठाक ही रहेगा। पुरानी बातें और चिंताएं भी दिमाग से निकाल देंगे तो स्थितियां आपके लिए सहज हो सकती है। आज सामने आने वाले मौकों का फायदा मिल सकता है। रिश्तों में गहराई आ सकती है। दिन भी अच्छा रहेगा। अच्छा और मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं। नेगेटिव, आपके साथ कोई कानूनी मामला चल रहा है तो सावधान रहे। दूसरों की बात ध्यान से सुने, ठीक से समझे, बिना किसी नतीजे पर पहुंचने से बचे। जीवन साथी के खर्चों से मन ही मन झुंझलाहट हो सकती है। आपकी जेब से निकला पैसा खर्चा हो सकता है। जल्दबाजी में लिए फैसलों से नुकसान होगा। मीटिंग आदि में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचे। क्या करे, गाय को हरी सब्जी और रोटी खिलाए। लव पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। पार्टनर से सम्मान और प्यार मिल सकता है। करियर कार्य क्षेत्र में पुराना विवाद चल रहा है तो खत्म हो सकता है। बिजनेस में सफलता और फायदा भी मिलेगा। स्टूडेंट सावधान रहे, हेल्थ और भाग के चलते थकान रहेगी, आलस्य से भी परेशान रहेंगे। रिश्ता जटिल काम पूरे हो जाएंगे। खुद को शांत रखें। ऑफिस में काम काज के मामले में आप एक सम्मानजनक स्थिति में भी आ सकते हैं। कुछ परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। थोड़े लंबे समय के लिहाज से विचार करें। अपने काम काज में एक्टिव रहेंगे। कोई नजदीकी व्यक्ति आपका हौसला बढ़ा सकता है। आपको मदद भी मिल सकती है। पुराना विवाद सुलझने की संभावना है। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें खत्म हो सकती है। संतान और शिक्षा की तरफ ध्यान रहेगा। अपनी वाणी से हर काम पूरे कर सकते हैं, मीठा बोले। धन लाभ के योग हैं। नेगेटिव, वृष राशि के कुछ लोग फालतू विवादों में भी उलझ सकते हैं। हर काम में सावधानी रखें। लापरवाह होने पर आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हड़बड़ी में कोई छिटपुट दुर्घटना होने की भी संभावना है। खर्चा बढ़ सकता है और बेवजह होगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति थोड़ी कमजोर भी हो सकती है। पैसों को लेकर किसी के साथ थोड़ी भूत अनबन होने के योग है। काम काज भी ज्यादा हो सकता है। क्या करें, किसी महिला को पानी पिलाए। लव लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला रहेगा। थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। करियर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट्स शारीरिक तौर पर भी परेशान हो सकते हैं। हेल्थ सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है। पेट खराब भी हो सकता है। मानसिक तनाव रहेगा। मिथुन, पॉजिटिव दिन भर प्रसन्नता और संतुष्टि रहेगी। काम भी पूरे हो सकते हैं। आज आप कुछ ही लोगों पर भरोसा करेंगे, इस कारण नुकसान से भी बच सकते हैं। आज मेहनत भी बहुत रहेगी। निजी मामलों को लेकर कुछ लोग आपसे सलाह ले सकते हैं। नकारात्मक विचार मन में नहीं आने दें। खुद को बचा लेंगे। कहीं भी उलझने से खुद को बचाएं। नेगेटिव, किसी योजना पर उतना ही आगे बढ़े जितना दूसरे लोग समर्थ होते हो। एक काम निपटने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डालें। जो काम आपकी नजर में निपट गया हो उसे भी एक और बार चेक कर लें। कुछ लोगों से अनबन हो सकती है। दूसरों बातें मानने में परेशानी होगी। आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप आक्रामक होंगे तो ज्यादातर काम बिगड़ भी सकते हैं। कोई फालतू विवाद भी हो सकता है। फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है। सावधान रहे, कोई फैसला अपनी कल्पना के आधार पर करने से बचे। क्या करे, सरकारी अधिकारी या किसी बड़े व्यक्ति को मिठाई खिलाए। लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मन की कुछ खास बातें लाइफ पार्टनर या प्रेमी से शेयर कर सकते हैं। करियर इनकम बढ़ने के योग है। खर्चा भी हो सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलने के योग है। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट्स आलस्य और थकान भी महसूस कर सकते हैं। हेल्थ सेहत पर ध्यान दें। पेट संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं।
कर ट्रांजिटर किए गए काम का फायदा मिल सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले शांत होकर विचार करना होगा। अपने काम पर एकाग्र हो जाए, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। काम करने वाले साथियों से अच्छी सलाह मिल सकती है। प्रॉपर्टी के उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे। लोगों से मदद मिल सकती है। आपके मन में जो भी शिकायतें हैं, उन्हें आप खुद तक ही रखें। अपने काम पर ध्यान दें। परिवार के साथ समय बीतेगा। साथ के लोगों से पैसों की मदद मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नेगेटिव सुस्ती और थकान भी महसूस हो सकती है। अपोजिट जेंडर से सावधान रहना होगा। आपके साथ धोखा भी हो सकता है। साथ वाले किसी इंसान का मूड खराब होने से आपका भी मूड ठीक नहीं रहेगा। एक समय में एक से ज्यादा काम करने के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सुस्ती के कारण किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी कर सकते हैं। सावधान रहे, इससे आपको नुकसान होगा। आपके कामों में रुकावटें भी आ सकती है। क्या करें? छोटी अंगुली का नाखून काट कर नाली में फेंक दें। लव लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। पार्टनर को परेशान ना करें। करियर, बिजनेस या नौकरी में कोई नई योजना सामने आ सकती है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। हेल्थ सेहत ठीक रहेगी। मामूली बदन और सिर दर्द रहेगा। सिंह पॉजिटिव, अच्छा दिन है। कामकाज अच्छी तरह और आसानी से निपटते जाएंगे। अपने किए गए कामों को लेकर जिम्मेदारी भी अच्छे से पूरी करेंगे। ऑफिस की दिक्कत या गलत फहमी निपटाते हुए स्थिति संभालने में आप सफल हो सकते हैं। आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। फैसले करने के लिए समय अच्छा है। पैसों के नजरिए से भी दिन आपके लिए बेहतर है। कुछ योजनाएं और काम जैसे चल रहे हैं, उन्हें वैसे ही चलने दें। बैंक का काम, बीमे और टैक्स के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। आपको छोटा मोटा फायदा और थोड़ा बहुत धन लाभ भी हो सकता है। शांत रहे, नए लोगों से मुलाकात सफल रहेगी। नेगेटिव, ऑफिस में बातचीत या किसी पत्र में समस्या भी आ सकती है। आज किसी कागजी काम में लापरवाही की या सावधानी से काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों या भाई बहनों की तकलीफ से आप भी परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों से बिना कारण बहस हो सकती है। मकान, भूमि, प्लॉट संबंधी काम पूरे होने में परेशानी रहेगी। नए पुराने बिल चुकाने में पैसा खर्च हो सकता है। क्या करें? बेडशीट, टेबल क्लॉथ या चेयर कवर चेंज करें। लव, आपके लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। किसी बात पर जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है। करियर, निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। धन लाभ होने के योग हैं। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हेल्थ, माता की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। कन्या पॉजिटिव, नौकरी से संबंधित मामलों के लिए दिन अच्छा है। चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा। थोड़ी सी कोशिश से आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी और करियर में कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों को नई नौकरी मिलने के योग हैं। सफलता की राह में दूसरों को रुकावट नहीं बनने देंगे। आप हर स्थिति के लिए तैयार रहे। जीवन साथी को अचानक किसी निवेश का फायदा हो सकता है। पुरानी बातें भी दिमाग में रहेंगी। पुराने लोगों के बारे में बातें हो सकती हैं। किसी की सेवा या मेजबानी करने के भी योग बन रहे हैं। नेगेटिव, आज कुछ लोगों के साथ छोटा मोटा विवाद होने के योग बन रहे हैं। दरअसल आप खुद भी कुछ ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। रोजमर्रा और पार्टनरशिप के कामों में रुकावटें आ सकती हैं। अनजान लोगों से सावधान रहे। कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाने या जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है। क्या करें? माइनस टूल और चाकू से काट कर घर से बाहर फेंक दें। लव, प्रेमियों के लिए दिन शुभ नहीं है। पार्टनर से अनबन रहेगी। पार्टनर का भी मूड खराब हो सकता है। करियर, सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा हो सकता है। अधिकारियों से मदद मिल सकती है। स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। हेल्थ, पेट संबंधी रोग होने की संभावनाएं हैं। मसालेदार भोजन से बचें, चोट भी लग सकती है।
तुला का जेटिल समाज में जान पहचान और अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। निजी जीवन में अच्छे बदलाव लाने की सफल कोशिश हो सकती है। आपकी इच्छा के अनुरूप कुछ काम हो सकते हैं। खुद पर खर्चा बढ़ सकता है। किसी रिश्तेदार या दोस्त की मदद से आपके काम पूरे होने के योग हैं। किसी अच्छी खबर का इंतजार भी आपको रहेगा। कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का प्लान बन सकता है। नए लोगों से प्लानिंग होगी। नेगेटिव जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा रहेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। इससे आप परेशान रहेंगे। नहीं चाहते हुए भी आपको महत्वपूर्ण कामों में रिस्क लेनी पड़ सकती है। दूसरों के झगड़ों में खुद का समय खराब कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा भी लग सकता है। काम में मन नहीं लगेगा। किसी झगड़ालू व्यक्ति से भी उलझ सकते हैं। ज्यादा बोलेंगे तो इससे खुद का ही नुकसान होगा। आपकी राज की बातें भी उजागर हो सकती है। क्या करे, कच्चे दूध में पीले फूल की पत्तियां डालकर पीपल की जड़ में डाल दे। लव लाइफ, पार्टनर के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। करियर, बिजनेस के लिए टाइम अच्छा है। निवेश में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है। परीक्षा में सफलता मिलेगी। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी। सिरदर्द भी हो सकता है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति से रोजमर्रा के कामकाज पूरे हो सकते हैं। अपने मूड और स्वभाव पर कंट्रोल रखें। अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होंगे। नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन चाहते हैं तो कुछ ऐसी खबर या संकेत मिल सकते हैं। एक्टिव रहेंगे। बड़ा फैसला लेने से पहले सारे विकल्पों पर विचार कर ले। जहां तक हो सके शांत रहे। समय का आनंद लेने की कोशिश करें। समय पहले से थोड़ा ठीक रहेगा। परिचित लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। लोग अपनी परेशानियां भी आपसे शेयर कर सकते हैं। नेगेटिव, किसी भी बात को लंबा ना खींचे। आपका व्यवहार कई बार नियंत्रण से बाहर हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही हो सकती है। आज आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिसको पूरा करना लगभग असंभव हो सकता है। किसी भी तरह का कोई रिस्क ना ले। कोई कर्जा या लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको एक दो दिन रुकना चाहिए। आपको अपना काम भी बोझ लग सकता है। घर और कार्य क्षेत्र दोनों जगह का तनाव बढ़ सकता है। क्या करें, -3 बादाम मीठे तेल में गीली करके घर के बाहर फेंक दे। लव, जीवन साथी से अनबन हो सकती है। कोई पुरानी बात ही आपके बीच होने वाली भस का कारण बन सकती है। करियर, साझेदारी के बिजनेस में फायदा होने के योग है। लेन देन में पार्टनर को साथ रखे। स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिलने के योग है। दोस्तों की मदद से भी आज आप आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ, सेहत संबंधी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। धनु, आपके लिए दिन महत्वपूर्ण है। काफी इसमें किसी व्यक्ति से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपकी बहुत सी परेशानियों का समाधान भी हो सकता है। दिनचर्या सहज और सरल रहेगी। जो अवसर आपको पहले नहीं मिल सका था वह आज किसी की मदद से मिल जाएगा। बिजनेस से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले। भाइयों या पड़ोसियों से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा। मेहनत से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। बिजनेस अच्छा चलेगा। आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं। बिजनेस में भी बदलाव का मन बन सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए समय पहले से ठीक कहा जा सकता है। नेगेटिव प्लानिंग बनाकर काम निपटाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी। वाहनों से सावधान रहने की जरूरत है। पुराने दुश्मनों से भी उलझ सकते हैं। किसी बात की ज्यादा जिद ना करें वरना खुद परेशान रहेंगे। सेहत के मामले में संभल कर रहे। क्या करें, भैरव या हनुमान मंदिर में तेल का दीपक लगाएं। लव पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। करियर, बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती हैं। लेन देन में सावधानी रखें। कुछ स्टूडेंट्स अपने परिणाम से असंतुष्ट भी हो सकते हैं। हेल्थ, मौसमी रोग होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि, आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं।
काम का नेतृत्व आपके हाथों में रहेगा। आप शांति से काम करें, अपनी कोशिशें भी कम नहीं होने दें। कोशिश करेंगे तो दिन अच्छे से निकाल लेंगे। बेरोजगार हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा हो। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। निराशा खत्म हो सकती है। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। पैसों की बचत कर सकेंगे। नेगेटिव, आज आप काम काज में बिजी हो सकते हैं। आप ही नहीं साथ के लोग भी व्यस्त रहेंगे। किसी के पास फुर्सत नहीं होगी। आलस्य भी रहेगा। जिम्मेदारियां बोझ लग सकती है। ऑफिस में कागजी काम करते समय सावधान रहे। जिम्मेदारियों की अनदेखी करेंगे तो किसी के साथ अनबन हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। क्या करें, पराठे पर थोड़ी सी हल्दी और शक्कर डालकर गाय को खिलाएं। लव, अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फायदे का समय है। निवेश का लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, जरूरी चेकअप करवाते रहे। गले संबंधी रोग या किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। कुंभ, पॉजिटिव, आपके विचार साफ रहेंगे। आपको सफलता भी मिल सकती है। आने वाले दिनों की किसी योजना के बारे में अधिकारियों से बातचीत होगी। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं। रोमांस के मामले में आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। ऑफिस और फील्ड में पूरी तरह संभल कर रहे। खुद पर कंट्रोल करें। परिवार से जुड़ी कोई खास खबर मिल सकती है। किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदल सकती है। यह बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन आपके लिए बहुत सामान्य रहेगा। नेगेटिव, ज्यादा जिद करेंगे तो परेशानी में उलझ सकते हैं। आज आप थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी में भी रहेंगे। आज आपको अचानक होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज आप कुछ नया करने के लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज आप वाहन चलाते समय सावधानी रखें। क्या करें, अपनी जीभ पर थोड़ा सा शहद लगाएं। लव, प्रेम में संबंध विच्छेद होने का डर रहेगा। किसी बात पर पार्टनर से बहस भी हो सकती है। करियर जोखिम भरे सौदे ना करें। उधार दिया पैसा वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सेहत में सुधार होने के योग बन रहे हैं। मीन, पॉजिटिव, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। दोस्तों और भाइयों से मदद मिल सकती है। आपके काम इन लोगों की ही मदद से पूरे हो सकते हैं। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होने के योग है। ऐसे पुराने दोस्त मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं और रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। निवेश या पैसों से जुड़े कुछ रोचक मौके भी आपको मिल सकते हैं। नए विचार आपके सामने आते जाएंगे। योजना बनाने और फैसले करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान से आपको सही सलाह मिल सकती है। घर या ऑफिस में मरम्मत का मन भी बन सकता है। काम का बोझ थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। पार्टनर से संबंध सुधर जाएंगे। नेगेटिव, घर, परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। आक्रामकता और संकोच के कारण परेशानियों वाला दिन हो सकता है। भावनाओं में संतुलन बैठाने में समस्या हो सकती है। थोड़ी छुंछलाहट भी हो सकती है। परिवार में तनाव या विवाद के भी योग बन रहे हैं। क्या करें, पैसे रखने की जगह पर घी का दीपक लगाएं। लव, पति पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। करियर, आर्थिक नजरिए से दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। स्टूडेंट्स सावधान रहे। हेल्थ, पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं।